ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला के समस्त विकास खंडों में ग्रामीण विकास के तहत चल रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में डीआरडीए बैठक कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें जिला भर के समस्त विकास खंड अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 24,13,27,000 रुपए व्यय किया गया है। जिला के समस्त विकास खंडों में ग्रामीण विकास के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में डीआरडीए बैठक कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें जिला के समस्त विकास खंड अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 24,13,27,000 रुपए खर्च किया गया है। उन्होंने सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विकास खंड के तहत चल रहे विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग कर गति प्रदान करें, तथा जो कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं उनके लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर शीघ्र पूरा करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत सभी मजदूरी सामग्री तथा अन्य लंबित अदायगियों का समय पर भुगतान निश्चित करें। डैम, तालाब, रास्ते, सामुदायिक भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, जल संरक्षण, भू संरक्षण, कच्चे पक्के टैंकों तथा सड़कों के निर्माणाधीन कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में एसबीएम ग्रामीण के तहत ठोस व तरल कचरा प्रबंधन पर 14,63,67,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की गई, तथा अधिकारियों को तय लक्ष्यों सहित निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, परियोजना अधिकारी एवं उपनिदेशक डीआरडीए केडीएस कंबर, जिला योजना अधिकारी विनोद कुमार, जिला पंचायत अधिकारी हरवस सिंह के अतिरिक्त समस्त विकास खंड अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा पंचायत निरीक्षक भी उपस्थित थे। मंडे मीटिंग हमारी वीकली मीटिंग होती है, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का इशू होता है या प्रायोरिटी के कुछ इश्यूज होते हैं, चाहे हमीरपुर सब डिवीजन के जो हमीरपुर टाउन को लेके हैं या अदर सब डिवीजन के इश्यूज हैं, तो इन चीज़ों को लेके हम बैठते हैं हर वीक, हर मंडे। और जैसे आज भी उन्हीं जो एजेंडा हमारा रहता है तो उनके जैसे फिक्स हम उसके एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं, तो कई सारे एजेंडा डिस्कस होते हैं। जैसे आज हुआ, जैसे कई टाइम से हमने एमसी में अनसेफ जो डिसास्टर में परमिशन दी है पेड़ों की, या तो डीएम कॉरपोरेशन का इश्यू था उसको पेड़ों को काटने को लेके, तो उन पर भी डिस्कस किया गया किस तरह से हमारी यहाँ नोटिफाइड रेट है, किस तरह से कॉरपोरेशन की रेट है, कैसे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करके इन मुद्दों को हम सुलझा सकते हैं। दूसरा जो इशू है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके या पंचायतों में सफाई को लेके, हमने पिछले हफ्ते भी वीडियोज को काफ़ी बोला था और पीओडीआरडी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 51 स्पॉट्स हमने पिछले एक हफ्ते में एज पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्लियर किया है। इसमें सबसे ज़्यादा बमसन ब्लॉक ने किया है और इसमें पीओडीआरडी को भी निर्देश दिए गए कि वो हर हफ्ते हर दिन 6 ब्लॉक जो ब्लॉक्स हैं हर एक एक दिन एक ब्लॉक में जाएँ और वहाँ चेक करें विद रिस्पेक्ट टू सफाई या दूसरे जो रूरल डेवलपमेंट के काम्स हैं, तो एक फीडबैक हमारे पास चैनल रहे। काफ़ी इशू आज हिमुडा कॉलोनी को लेके भी हुआ, जो पंचायत में किस तरह से उनका पंचायत से कोऑर्डिनेशन है, हिमुडा कॉलोनी को सफाई के लिए काफ़ी इश्यूज आते हैं। एमसी के इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो वेदर एमसी के में जो स्लॉटर हाउस को लेके जगह का इशू है या जो अभी सबलेटिंग है या किसी शिफ्टिंग ऑफ का है या पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी हम लोग फुटपाथ का कार्य कर रहे हैं या एनएच का है कोऑर्डिनेशन, लाइक जैसे हम खोखा शिफ्ट कर रहे हैं अभी, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मीटर लगाने हैं, रिवेन्यू जो एग्रीमेंट की कॉपी उनको हम सौंप रहे हैं, ऐसे आईपीएस डिपार्टमेंट विल टेक अप, तो इस तरह की चीज़ें होती है जो हम लोग हर वीक बैठते हैं। 20-25-30 पॉइंट्स का एजेंडा होता है प्रायोरिटी पे, जिसमें कुछ पॉइंट्स बताए, तो ये हमारी रूटीन में मीटिंग होती है जिसको हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल।